ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ये तस्वीरें सामने आई है कश्मीर से, जहां हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्ला की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेबनान से लेकर कश्मीर तक जगह जगह पर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। क्या वजह है हिजबुल्ला जैसे एक उग्रवादी संगठन के लिए लोगों के सड़कों पे आ जाने का? क्या ये सिर्फ गुस्सा है या इसके पीछे की कुछ और कहानी है? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल सबसे पहले समझिए कि हिजबुल्ला और हसन नसरल्ला कौन थे। हिजबुल्ला एक शिया उग्रवादी संगठन है जो लेबनान में स्थित है और इसका इसराइल के साथ सालों से संघर्ष चलता आ रहा। हसन नसरल्ला इस संगठन के सबसे प्रमुख नेता थे, जिन्होंने संगठन को और अधिक शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1992 से संगठन के प्रमुख के रूप में उन्होंने हिजबुल्ला को सिर्फ एक मिलिशिया से एक राजनीतिक ताकत तक पहुंचाया। हाल ही में इसराइल की एक एयर स्ट्राइक में हसन नसरल्ला की मौत हो गई, जिसकी पुष्टि खुद हिजबुल्ला ने की। नसरल्ला की मौत के बाद लेबनान से लेकर कश्मीर तक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। खासकर कश्मीर में कई इलाकों में लोग सड़कों पर आ गए, काले झंडे लेकर नारेबाजी की गई। इन प्रदर्शनों में सबसे प्रमुख था इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जोरदार नारे। अब सवाल उठता है कि क्यों इतने बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा। इसका सीधा कारण है हसन नसरल्ला को उनके समर्थकों द्वारा एक प्रतिरोधी हीरो के रूप में देखा जाना। खासकर शिया मुस्लिम समुदाय में उनकी एक बहुत बड़ी पहचान थी। उनके समर्थक उन्हें इसराइल के खिलाफ लड़ने वाले सबसे बड़े चेहरे के रूप में मानते थे। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्ला की जड़ें बहुत गहरी है। नसरल्ला की मौत को उनके समर्थक एक बड़ी क्षति मान रहे और इसे शहादत के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ की गई कार्रवाई ने इसराइल और अमेरिका के प्रति आक्रोश को और भड़का दिया। भारत के कश्मीर में भी विरोध प्रदर्शन हुए, खासकर श्रीनगर के इलाकों में। यहाँ के लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा था। वो न सिर्फ हिजबुल्ला के समर्थन में थे बल्कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। ये विरोध प्रदर्शन काफी हद तक शांतिपूर्ण रहे, लेकिन इससे ये संकेत मिलता है कि नसरल्ला की मौत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर डाला। आने वाले समय में नसरल्ला की मौत से मध्य पूर्व में और तनाव बढ़ सकता है। हिजबुल्ला ने साफ किया कि वो अपने पवित्र जंग को जारी रखेगा। इससे इसराइल और हिजबुल्ला के बीच और अधिक संघर्ष देखने को मिल सकता है। वहीं लेबनान में भी आंतरिक स्थिति और अस्थिर हो सकती है। भारत में भी इस तरह के विरोध प्रदर्शनों का असर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर देखा जा सकता है, खासकर कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में। खैर, हसन नसरल्ला की मौत ने न सिर्फ लेबनान बल्कि दुनिया भर में असर डाला। विरोध प्रदर्शनों ने दिखा दिया कि उसकी पहचान कितनी गहरी थी और हिजबुल्ला के प्रति समर्थन कितना मजबूत था। लेकिन इससे ये भी साफ होता है कि आने वाले दिनों में मध्य पूर्व और वैश्विक राजनीति में तनाव और बढ़ने की संभावना है। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से भारत में प्रदर्शन हो रहे इसराइल के खिलाफ, उसे लेकर कॉमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।